नमस्कार। जनादेश भारत न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मिशन जय हो के अंतर्गत बाधा बॉर्डर से संस्था ने दिया विश्व शांति का संदेश। विगत 12 अगस्त से 15 अगस्त तक शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के भांजे एवं बीवी अमर कौर के बड़े सुपुत्र प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आगाजे ए दोस्ती यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा दिल्ली से पानीपत, सोनीपत, अंबाला, लुधियाना, जलंधर होते हुए अमृतसर पहुंची, जिसमें भारत भर से करीब 28 सामाजिक संस्थाओं का सहयोग रहा। यात्रा के अंतर्गत यात्रा में पड़ने वाले विभिन्न पड़ाव पर लोगों को विश्व शांति एवं हमारे पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई तथा विश्व में शांति का संदेश दिया गया। इसी क्रम में प्रोफेसर जगमोहन सिंह द्वारा 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड का विस्तार से वर्णन किया गया तथा जलियांवाला बाग के मौके पर उपस्थित सभी स्थानों के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात अमृतसर के खालसा कॉलेज में एक शांति बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर जगमोहन सिंह द्वारा की गई तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत विशेष अतिथि रहे। तदुपरांत पंजाब नाटशाला में साका जलियांवाला बाग का मंचन किया गया तथा अंतिम छोर पर यात्रा भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पहुंची, जहां रात 12 बजे सभी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा कैंडल मार्च तथा राष्ट्रभक्ति गीतों द्वारा हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देकर विश्व में शांति की अपील की गई। आयोजन में स्वर्गीय लाला रामचंद्र सहायक रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर अंकुश प्रकाश गुप्ता मानव तथा राजेश शर्मा जी ने प्रतिभाग किया तथा मिशन जय हो फॉर यूनिटी एंड नेशनल के अंतर्गत संपूर्ण विश्व को रक्तदान द्वारा एकता एवं शांति का संदेश दिया गया। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर नीरज जैन की ये विशेष रिपोर्ट। खड़ा कर दिया और गोली चलाने और उनको कोई मतलब बताया भी नहीं कि भी मतलब आप, तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता तो वो हम पे आ जाते तो हमें मार देते। तो वो डर उनका अपना जो है, मतलब लोगों का जो है वो कम होता है, उसका डर होता है। तो इसमें फिर लोग इस तरफ को आए क्योंकि इस तरफ एक दरवाज़ा है जिसको वो फांध के बाहर जा रहे थे। तो आप देखेंगे कि वहाँ गोलियों से आपको पता, मैं बताऊँगा। और इसी में जबलपुर जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं आपका दोस्त, एक छोटा सा सेवक, डॉक्टर अंकुर प्रकाश गुप्ता मानव। आज मैं आपके साथ भारत के पंजाब प्रांत से खालसा कॉलेज में हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हमारे खालसा कॉलेज की बिल्डिंग है और आज इस खालसा कॉलेज में हमारे साथ बहुत अच्छे बड़े क्रांतिकारी विचारक लोग जुड़े हैं, जिसमें हमारे फिलहाल कैमरामैन एडवोकेट विजय राव जी राजस्थान से जुड़े हैं, मेरे साथ में हमारे बड़े भाई राजेश कुमार शर्मा जी हैं। अभी हम बात करते हैं कि आज हम यहाँ जुड़े क्यों। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय कुछ राजनीतिक कारणों के कारण जो नरसंहार हुआ, जिसको इतिहास में गदर का नाम दिया गया, आज हम उन सभी मृतक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा मकसद ये है कि किसी भी तरह प्रयास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों को फिर से बेहतर बनाया जाए, शांति का संदेश दिया जाए, ताकि दोनों देशों के बीच जो सीमा बंधी है वो सीमा खुल सके, व्यापार शुरू हो सके, संबंध बेहतर हो सके और जो हमारे आपसी झगड़े हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं, करतारपुर गुरुद्वारे के बारे में हम उनको सुलझा सकें। साथ ही करतारपुर कॉरिडोर, अगर हमारे संबंध बेहतर होते हैं तो ये निश्चित है कि सिख धर्म से जुड़े हुए सबसे पवित्र स्थान जो कि करतारपुर कॉरिडोर
हमारा है वो हमारा खुल सके और हमारे सभी सिख भाई और सिख भाइयों के साथ साथ संपूर्ण भारत वहां जाकर माथा टेक कर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर धार्मिक लाभ उठा सके। हम इसके साथ पूरे विश्व को एक शांति का संदेश देते हैं क्योंकि पूरा विश्व जानता है भारत ने सदैव शांति के लिए कार्य किया है। भारत एक शांति प्रिय देश है। दोस्तों हम आप भी आपके बारे में आपसे इस बारे में आपका आपकी राय चाहेंगे, आपका सहयोग चाहेंगे ताकि ये मुहिम आगे बढ़ सके। जय हिंद, वंदे मातरम।